भिंड जिले में आई फ्लू ने दस्तक दे दी है। बड़ी संख्या में आई फ्लू तेजी से बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों की आंखें लाल हो रही हैं। सभी लोगों में आई फ्लू तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। आई फ्लू से कैसे बचें, इसके उपाय डॉक्टर रविकांत जैन ने बताया। आंखों को ज्यादा बार बार हाथों से ना छुएं, शुद्ध और ठंडे पानी से आंखों को धोएं और आई फ्लू के लक्षण आने पर डॉक्टर से सलाह लें। आई फ्लू के लक्षण आंखें लाल होना, ज्यादा कीचड़ आना, आंखों में दर्द होना, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए, काला चश्मा पहनकर ही बाहर निकलें। बच्चों को भी काला चश्मा लगाएं, स्कूली बच्चों को भी काला चश्मा लगाएं। देखने में आई फ्लू बहुत जबरदस्त फैला हुआ है, इसके क्या रोकथाम है और क्या वजह है? आजकल आंखों की बीमारी आई फ्लू या इसको कंजक्टिवाइटिस बोल रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से फैला हुआ है। ये सभी लोगों में देखने को मिल रहा है, बच्चों में, महिलाओं में, सभी लोगों में, बूढ़े लोगों में। तो इसमें ज़्यादातर मुख्य कारण है आंखों का लाल होना, आंखों में कीचड़ आना, आंखों में पानी आना, आंखों में सूजन आना। तो इसकी रोकथाम के लिए एक तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो चश्मा लगा के रखें, बार बार अपनी आंखों को ना छुए, और हो सके तो साफ पानी से दिन में 2-3 बार थोड़ा सा आंखों को धोया जा सकता है जब बाहर से नहीं। और कोई भी दवाई बिना बताए डॉक्टर के नहीं डालें। कई लोग मार्केट से हैवी स्टेरॉइड वाली दवाइयाँ डाल रहे हैं जो कि आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो तरीका यही है कि बच्चों को अपने से दूर रखें, साफ रुमाल रखें, एक रुमाल एक दिन यूज करके उसको दूसरे दिन धोने डाल दें और हाथ डायरेक्ट आंखों से ना लगाएं। ये सब करेंगे तो 5-6 दिन में इसके लक्षण चले जाएँ, और अगर इससे ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो तो डॉक्टर को तुरंत आके दिखाएँ और दवाई सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है, उन दवाइयों से लेके आराम पाया जा सकता है। सर एक दिन में कितने पेशेंट आ जाते हैं? अभी सामान्यतः हम लोगों के करीब 70-80 की ओपीडी रहती थी, इस टाइम पे 225 तक मरीज करीब करीब, और ज़्यादातर मरीज केवल आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के ही देखे जाते हैं। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।